तो देखते हैं आज की खास खबर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर को नशा मुक्ति जन जागरूकता के लिए जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देशन में 60 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें 22 स्कूलों ने भाग लिया। मानव श्रृंखला टोंडला टोल प्लाजा से कटपुरी टोल प्लाजा तक बनाई गई, जिसमें नगर के विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चिलचिलाती धूप में छोटे छोटे बच्चे, 2 समाजसेवी लोगों द्वारा बच्चों को पानी पिलाने की व्यवस्था कराई गई। मानव श्रृंखला नगर व हाईवे पर काफी दूरी तक दिखाई भी नहीं दी। तो देखते रहिए सीटी न्यूज पर, रविंद्र गौतम के साथ आशीष उपाध्याय की ये रिपोर्ट। लोक नागरिक मंच, जिनकी ये मूल सोच थी कि नशा मुक्ति के संदर्भ में कुछ ऐसा संदेश दिया जाए जिसकी गूंज जो है वो हर जगह तक पहुंचे, उसमें आज 60,000 से ऊपर बच्चों ने इकट्ठे होकर ये लगभग 50 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का आयोजन हुआ है। हमारे जनपद की कई स्कूल्स इससे जुड़े हैं और साथ ही विशेष रूप से आज एक गांधी जयंती से पूर्व की दिवस है, तो उसमें भी राष्ट्रपिता के लिए एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि भी इस रूप में हम लोग इसको दे रहे हैं कि राष्ट्रपिता के जो थॉट्स हैं, उनके जो विचार हैं, उनको भी एक श्रद्धांजलि के रूपेण भी इसको समर्पित करना चाहूँगी मैं। और स्वच्छता ही सेवा सप्ताह का आज अंतिम दिन है, शासन की एक नीति चल रही है, आज उस अंतिम दिवस को भी समापन करने के लिए बहुत ही मनोरम और बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया। मेरा नाम हर्ष है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस कार्यक्रम में हमें क्या गुटखा छोड़ना चाहिए और शराब बंदी होनी चाहिए, हमारे राज्य में ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुटखा और शराब हमारे देश के लिए बहुत बड़ी खामी है, इससे हमें बहुत नुकसान पहुंचता है। और इसीलिए नेहा शर्मा जो कि हमारी DM है और SSP सर भी आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं अपने किड्स कॉर्नर स्कूल से बिलोंग करता हूँ और मुझे इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगा, जो कि हमारे इस समाज की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस समय हमारी साइड जो ये नॉर्दर्न बेल्ट है, यहाँ पे प्रत्येक घर इस नशा मुक्ति की विडंबना से जूझ रहा है। सुबह सुबह कई लोग इवन शराब से ही कुल्ला करते हैं, सुबह सुबह उठते ही तंबाकू और गुटखे का सेवन करते हैं और बहुत ही जल्दी अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। कई लोग जो उनके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, वो आश्रित लोग पूरी ज़िंदगी भर सफ़र करते हैं, छोटे छोटे बच्चे समय से पूर्व फिर उनको बड़ा होना पड़ता है और जब वो टेंशन में पल के बड़े होते हैं तो वो फिर अपने पिता की तरह गुटखे का सेवन करना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से ये अपील की गई है कि वो इन सब चीज़ों को छोड़ें, ये एक बहुत अच्छी पहल है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सारे स्कूलों के आज इम्तहान शुरू हैं, इस समय फर्स्ट टर्मिनल्स चल रहे हैं और शिक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। इम्तहान छुड़वा के अगर बच्चों को इस आह्वान के लिए बुलाया जाए, इसका स्वरूप दूसरा भी हो सकता था, उसके पोस्टर्स लगवा के, बैनर्स लगवा के और नुक्कड़ नाटक करवा के इस चीज़ का प्रसार करते, और या फिर उन दिनों करते कि जब एग्ज़ाम ना हो बच्चों के, तब अगर इसका प्रचार होता तो बहुत अच्छा होता। आज कई माताएं जिन्होंने पूरी रात भर जगकर बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी करवाई और सुबह जब जाकर देखा कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो उन माताओं की रातों की नींद एवं बच्चों की मेहनत भी बेकार गई। तो ये बात सही है कि एक संदेश बहुत अच्छा देने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका कहीं ना कहीं शिक्षा का भी तिरस्कार हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। माध्यम और अलग भी इसके हो सकते हैं, लेकिन अंततः एक बहुत अच्छी पहल, और शायद अगर कुछ घर भी इससे कुछ सीख ले सकें तो वाकई कई घरों का भला हो सके। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं। कई बच्चे बेहोश हो गए हैं, कई बच्चे धूप में खड़े हो गए, कई हमारे ही नहीं, मेरे तो लगभग 2200 बच्चे थे जिन्होंने प्रदर्शन किया किड्स कॉर्नर के, लेकिन उनमें से कई लौटते मैंने देखा, कई स्कूलों के, हमारे स्कूलों के बच्चे, हमने तो ग्लूकोज तैयार करके रखा था तो ग्लूकोज तुरंत दे दिया उनको, लेकिन कौन से ऐसे स्कूल्स हैं जो अपने रिसोर्सेज को तैयार करेंगे। धूप से कई बच्चे बेहोश हुए, तो ये माध्यम देते में ये एक आज़ादी की लड़ाई तो नहीं है, और आज़ादी की अगर लड़ाई है तो भी
उसका माध्यम दूसरा होना चाहिए था। छोटे छोटे बच्चों को धूप में अगर आप खड़ा करेंगे तो वाकई एक थोड़ी सी निर्दयता जाती है उनके प्रति। इस चीज़ का थोड़ा बहुत मेरे अभिभावकों में भी रोष है, वो आके स्कूल में इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि हमें पहले क्यों नहीं बताया और क्यों बच्चों को एग्ज़ाम आपने छुड़वाया। तो हम तो एक दोहरी स्थिति में आ गए, एक तरफ से हम इस मैसेज को भी सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन हम डेफिनेटली उनके लिए भी आंसरेबल हैं, अपने गार्जियंस के लिए, जो अभिभावकों के लिए, जो वो ये पूछ रहे हैं कि आज किस लिए आपने पेपर कैंसिल किया, हमने पूरी पूरी रात भर बैठ के बच्चों को मेहनत कराई और सुबह होते ही आपने पेपर को कैंसिल कर दिया। इस तरीके की चीज का माध्यम, मैसेज देने का माध्यम एक अलग होना चाहिए था। और अगर वो माध्यम, अगर आप वीडियो शूट करके बच्चों का, कुछ बच्चों का वीडियो शूट करके अगर उसको ऑडियो विजुअल्स के थ्रू सबको दिखाते तो वो मार्मिक एक अपील होती, वनस्पति के धूप में बच्चे बेहोश होकर नीचे गिरे। मेरे ख्याल से अगली बार प्रशासन को और लोक नागरिक कल्याण समिति को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।